वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक ट्रेडिशनल बंगाली डिश जिसका नाम है आलू उच्चे पोस्तो। इसके लिए कुछ साधन की हमको रिक्वायरमेंट है, देख लेते हैं वो क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा करेले, जो छोटे छोटे पतले ऐसे बारीक टुकड़े में कटे हुए होने चाहिए। हरी मिर्च, सरसों का तेल, इसमें दूसरा कोई ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, ये मस्टर्ड ऑयल में ही बनेगा। राई के दाने और कुछ तेज पत्ते, जो खसखस होता है यानी कि पोस्तो होता है वो, नमक और हल्दी, और साथ में टुकड़े में कटे हुए लंबे लंबे आलू। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गैस जला लेंगे और साथ में कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे आप सरसों का तेल। जैसे ही सरसों तेल गर्म होगा उसी के बाद हम सारे जो आपके करेले हैं वो फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है और इसमें हम करेले फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से लाल होने तक का फ्राई कर लें। जब तक आपके करेले देखिए फ्राई हो रहे हैं, उतने समय तक आप जो आपका खसखस है उसको थोड़े से 10 मिनट के लिए पानी, थोड़ा सा पानी डाल के और दो हरी मिर्च डाल के भिगो के रख लें और उसके बाद ऐसे महीन पेस्ट बना लें। करेले फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लें। देखिए करेले फ्राई हो चुके हैं, मैंने इनको निकाल लिया है। अब उसी तरह से अब आलूओं को भी हम लोग ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए आलू भी अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इन आलूओं को भी हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग कोई एडिशनल ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, बस उसी जो तेल बचा हुआ तेल है उसी तेल में ही हम लोग बाकी का प्रोसेस करेंगे। इसी तेल के अंदर हम लोग सबसे पहले डाल देंगे राई, जो तेज पत्ते रखे थे वो, और 7-8 हरी मिर्चें जो मैंने थोड़ा सा ऐसे बारीक चीरा लगा लिया है। इसे अच्छे से थोड़ा कटल होने पर इसको फ्राई करेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें जितना आप तीखा खाते हैं। ये सब्जी जो है थोड़ी सी तीखी ही अच्छी लगती है गरम चावल के साथ। तो देखिए आप देख सकते हैं कैसे थोड़ा सा मिर्ची अब हल्का सा वो होने लगा है, फ्राई होने लगा है। अब इस स्टेज पे ही हम देखिए हम ये जो हमने आलू और करेला भूंज के रखा हुआ था ये सारी सामग्री हम यहाँ डाल देंगे, आलू करेला सब, और इसको हल्के हाथों से मिला देंगे।
इसमें हम लोग ऐड करेंगे अभी नमक और हल्दी, नमक स्वादानुसार, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से एक साथ हो जाए तो इसी में हम लोग ऐड करेंगे जो हम लोगों ने बनाया था खसखस का पेस्ट, बड़ी मिर्ची के साथ वो पेस्ट पूरा यूज कर लेंगे। हल्का सा पानी डाल के जो एक्सेस अब एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसको भी हम लोग यूज कर लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। खसखस को हमको ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत होती नहीं है, बस इसको लटपट करें और 2 मिनट के लिए इसको भून लें, क्योंकि करेला आलू दोनों ही आपका ऑलरेडी भुना हुआ है। आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से थोड़ा भुना गया है। और अब इसी स्टेज पे आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, इसमें आप इस स्टेज पे 1 चम्मच शक्कर का यूज करें और साथ में जो सरसों तेल होता है ये कच्चा सरसों तेल ऊपर से डालें, इसको अच्छे से मिला लें। गर्मा गर्म सर्व करें चावल के साथ, आपकी सब्जी बनके तैयार है। इसको उतार के प्लेटिंग कर लें, निकाल के आप इसको गर्म चावल के साथ सर्व कर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक जरूर करें और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। बताइएगा, बनाइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।